स्त्री अभिषेक कर सकती है या नहीं, बड़ा जटिल प्रश्न है। अब इसका जवाब दूं या नहीं? दो, ठीक है। मेरा ये कहना कि जो लोग ये कहते हैं कि स्त्री अभिषेक नहीं कर सकती, मेरा उनका प्रति प्रश्न है कि क्यों नहीं कर सकती। मेरा रिटर्न प्रश्न है कि स्त्री अभिषेक क्यों नहीं कर सकती। तो लोगों का उत्तर क्या मिलता है? स्त्री अशुद्ध, अशुद्ध है। लोग कहते हैं कि स्त्री अशुद्ध है। क्या कुंद कुंद आचार्य को नहीं मालूम था स्त्री अशुद्ध है? और वटकेला आचार्य ने साधु की श्रवणचर्या की ग्रंथ लिखे, कुंद कुंद आचार्य ने साधु की दिनचर्या लिखी, समाधान दिनचर्या विधि लिखी, समाचार विधि लिखी। उसमें आचार्य ने ये कहा कि जो मुनि के गुण है, एक आतापन योग और वर्षा मतलब मूल वृक्ष योग छोड़ करके बाकी सभी समाचार विधि मुनि के समान कार्य करती होती, ये ग्रंथ में बताया है। अगर स्त्री अशुद्ध होती तो आचार्य इतना उच्चतम पद आदि का पद जो मुनि के बराबर होता है और मुनि पद आचार्य के बराबर होता है, तो फिर इतने बड़े बड़े आचार्य अशुद्ध स्त्री को गरीबी पद क्यों देते हैं? हाँ, वही बात। आप स्त्री है, मैं भी स्त्री हूँ, क्या अपन 24 घंटे अशुद्ध रहते हैं? बोलो, नहीं ना। तो जब अपना समय, अगर मेरा ये कहना है कि जो लोग कहते हैं कि स्त्री अशुद्ध रहती है, तो भगवान का अभिषेक करने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 5 मिनट। और महाराज का चौका लगाने में कितना समय लगता है? उन महाराज को हाथ देना बंद कर दो जो महाराज ये कहते हैं स्त्री अशुद्ध होती है। खबर पड़ी जाए अशुद्ध हो के रहा स्त्री, लाला किसी खबर मने नहीं। मैं जब सिद्धांत की बात कहती हूँ ना, ओरिजिनल
तो मेरे को रोमांचित हो गया था। उन राम और लक्ष्मण ने उस यक्ष को दूर किया, उत्सव का दूर किया, और जो ही उत्सव का दूर हुआ और भूषण देशभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जो ही केवल ज्ञान हुआ तो लक्ष्मण दौड़े भागे गए और अपने भाभी को लेके आए। किसको? सीता को। सीता को लेकर के आए तो तत्काल पास में एक जलाशय था, वहां से पानी लाए। लक्ष्मण फूल लाया और सीता ने चंदन पीसा। और आप देख लीजिए पद्म पुराण में रविशयन आचार्य का लिखा हुआ, उसमें लिखा है कि सीता ने बार बार चरणों का स्पर्श करते हुए चंदन लेपन किया। और इसके बाद लक्ष्मण ने पुष्प ला करके दिए और वह पुष्प चरणों में चढ़ा करके पूजा की। अगर ये अशुद्ध होता, खराब होता तो उनका केवल ज्ञान नष्ट हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ ना। हमारा जैन धर्म भाव प्रधान है और ये जो लोगों ने ले लिया है कि स्त्री अशुद्ध होती है, अशुद्ध होती है, ठीक है, स्त्री के अशुद्ध होने का एक समय ठीक है, काल ठीक से होता है, बाकी परमानेंट स्त्री अशुद्ध नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि स्त्री अशुद्ध होती है तो वो पुरुष तीर्थंकर को जन्म दे देते, फिर तीर्थंकर को जन्म वो पुरुष ही दे देते, फिर स्त्री का क्या काम था। इसीलिए ये सभी समझ समझ के फेर है। आगम में उल्लेख है कि आप अपनी समझदारी से चलिए, अशुद्ध समय को टाल करके दो चार दिन आगे पीछे छोड़कर आप अभिषेक कर सकते हैं। पर हाँ शर्त ये है, आपका शरीर कंप्लीट नया धोया शुद्ध होना चाहिए, कपड़े सोध के होने चाहिए और अभिषेक के कपड़े अलग होने चाहिए। चप्पल पहन के नहीं जावे और उन कपड़ों से दूसरा कोई भी काम नहीं करे, खाना भी नहीं खाए, अभिषेक के कपड़े अलग रखे। अर्थात विवेक साथ में अवश्य चाहिए। आप विवेक के साथ करेंगे तो कोई दोष नहीं।